सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज योग किया है। राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। जो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि लखनऊ से उस वक्त सामने आ रही है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग किया है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग किया है और उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई लखनऊ से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज योग किया। राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज योग किया, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी योग किया, वो उनके साथ मौजूद रही। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, और देखिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज योग किया है और राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये योग किया है और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आपको नजर आ रही होंगी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको योगा करते हुए नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और राज्यपाल महोदय का उन्हीं के इस प्रांगण में प्रदेश की जनता की ओर से, योग साधकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हम सब का सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धावनत होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 125 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो राजभवन से तस्वीरें आपको हमने सुबह दिखाई थी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज योग किया, और देखिए इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आपको नजर आ रही होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने आज सुबह सुबह योग किया है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये अब से कुछ देर पहले, 1 से 1.5 घंटे पहले की ये तस्वीरें हैं जब उन्होंने योग किया था, तब की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरा देश मना रहा है और सबसे पहले इसकी शुरुआत भी मोदी सरकार में ही हुई। तो सबसे पहले 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई और देखते ही देखते योग, भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो देखिए आज पूरे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और तमाम जानकारी के साथ स्टेटर राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए आज देशभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में तस्वीरें हमने उत्तर प्रदेश से भी देखी कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज योग किया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी योग किया। बिल्कुल निशा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो खुद भी योगी हैं, सन्यासी हैं और योग की परंपरा को, योग के सिद्धांत को वो जानते हैं। और उन्होंने स्पष्ट अपने संबोधन में भी योग के बाद कहा कि संपूर्ण मानव जात के विकास की संकल्पना को साकार करता है योग, और योग करेंगे तभी निरोग रहेंगे। और ये सच्चाई भी है कि मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य बैठाने की कला ही योग है, और योग से केवल हम स्वस्थ ही नहीं बल्कि और भी कई सारी चीज़ें पा सकते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है क्योंकि भारत ऋषि मुनियों के साथ योगियों का देश कहा जाता है, और इस सांस्कृतिक परंपरा को, इस वैभव को वापस दिलाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जब वो 2014 में पीएम बने उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय योग की शुरुआत की, और देखते ही देखते 150 से ज़्यादा देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और योग की परंपरा को पश्चिमी देशों ने भी एडाप्ट किया और योग करते हुए दिखाई देते हैं।
तो ये भारत की एक ताकत कह ली जाए, जैसे आयुर्वेद की ताकत है भारत की, वैसे ही योग की ताकत है। और संपूर्ण देश में आज योग मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और हमने देखा कि पीएम मोदी भी किस तरह जम्मू कश्मीर में थे, योग किए, इसके अलावा संदेश भी दिए, टूरिज्म से जोड़ने का भी उन्होंने बात कही कि यहाँ पे कश्मीर वासियों के लिए योग वरदान साबित हो सकता है। और अगर योग को टूरिज्म के रूप में यहाँ पे डेवलप किया जाए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा रोल योग दे सकता है। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो या भारत के किसी भी राज्य की बात हो, योगा सेंटर भी तमाम खुले हैं, लाखों की संख्या में खुले हैं, योग की कक्षाएं भी चली, डिप्लोमा कोर्स भी चले, तमाम छात्र छात्राएं डिप्लोमा का कोर्स लेकर आज योग की ट्रेनिंग देते भी हैं और तमाम पुरुष, तमाम महिलाएं, बच्चे बच्चियां योग सीखने जाते भी हैं। और ये भारत की ताकत है। और अगर हम योग को अपने जीवन में साक्षात्कार करते हैं, अपनाते हैं, तो इससे इनकार नहीं है कि हम एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ चरित्र अपने अंदर उत्पन्न करेंगे और पाएंगे। और इसी प्राप्ति के लिए योग का महत्व है भी। रामदेव बाबा भी बार बार योग को लेकर ऐसे वचन देते रहते हैं और वो भी योग के बारे में तमाम सेंटर चलाते हैं। लेकिन अगर पीएम मोदी की बात कर ली जाए तो योग की पहचान दिलाने वाला अगर कोई रहा भारत में तो वो नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमारी ये जो सांस्कृतिक विरासत थी एक तरह से लुप्त होती जा रही थी, युवाओं में उस तरह का कोई अवेयरनेस नहीं रह गया था कि हमें योग के तरफ जाना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने जो शुरुआत की आज से 10 साल पहले, आज पूरे भारत में इसे अडॉप्ट किया गया। ऐसा देखा जाता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन प्रदेश के लगभग, देश में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का मुखिया भी योग करते हुए देखा जाता है। वैसे ही लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, राजभवन में आज 6 बजे योग का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पे आनंदीबेन पटेल राज्यपाल भी योग करते हुए दिखाई दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए दिखाई दिए, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और तमाम आला अधिकारी भी और तमाम कैबिनेट मंत्री भी, इसके अलावा आम लोग भी, उसमें महिलाएं भी थीं, बच्चियां भी थीं, बच्चे थे, पुरुष थे, सभी लोग योग करते हुए दिखाई दिए। और योग आज भारत में और भारत से बाहर निकलकर अपनी एक पहचान स्थापित कर दिया है फिर से। और योग के माध्यम से हर व्यक्ति अब स्वस्थ रहना चाहता है और योग करते हुए दिखाई भी दे रहा है। ठीक है राघवेंद्र, जिस तरीके से भी आपने ऑनलाइन योगा की बात की कि ऑनलाइन योगा भी लोग सिखा रहे हैं और लोग सीख भी रहे हैं, लेकिन अगर इनका परसेंटेज निकाल कर देखा जाए तो बहुत कम परसेंटेज है जो योगा करते हुए अभी नज़र आता है। क्योंकि देखिए अब जिम जगह जगह पर खुल गए हैं, लोग जिम जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है योग को लेकर। बिल्कुल निशा, अगर हम बात कर लें कि आपने जैसा कहा कि अभी परसेंटेज बहुत कम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि परसेंटेज कम है। और ये भारत की एक विडंबना है। अगर इसका हम दूसरा पहलू देखें तो ये विडंबना है कि अगर स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम 5-6 बजे उठें, जाएं, एक्सरसाइज करें, योग करें, तो हमारा युवा वर्ग उसमें अछूता रहता है, बहुत पीछे रहता है। लेकिन 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं, जो वृद्ध हैं, माता पिता के एज की बात कर ली जाए, तो वो लोग पार्कों में टहलते हुए या योग करते हुए घरों में भी या बाहर दिखाई देते हैं। तो युवाओं में एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि युवा इस चीज़ को समझे। और एक बात और इसमें जोड़ूंगा कि आज का युवा योग पे थोड़ा कम ध्यान देता है, वो जिम के साथ बॉडी बनाने पे ज़्यादा ध्यान देता है। और बॉडी बनाना और स्वयं को स्वस्थ रखना दोनों दो बातें हैं। हम स्टेरॉइड ले लें, हम जिम चले जाएं, हम बॉडी अपनी बना लें, 3-pack बना लें, वो एक अलग बात है। लेकिन योग और एक्सरसाइज हम करते हैं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जब शरीर हम नियंत्रित करेंगे, हम योग करेंगे, हम इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखेंगे, ये योग की एक पहचान होती है। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, देखना होगा कि भारत का जो युवा है या उत्तर प्रदेश का जो युवा है, उसको ये बातें कब समझ में आती हैं कि हमको इसका परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, हमें भी योग अपनाना चाहिए। परसेंटेज अभी यही देखा जाता है कि योग करने में युवाओं का प्रतिशत बहुत कम रहता है, लेकिन जो 55+ या 60+ के लोग हैं, जो भी माता पिता हैं, वो ज़्यादा योग करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको योग का महत्व पता है। हालांकि युवा धीरे धीरे आकर्षित हो रहा है, जब पीएम मोदी ने शुरुआत की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये प्रचार प्रसार जैसे किया गया, तो कुछ परसेंटेज है, लेकिन जो परसेंटेज होना चाहिए युवाओं का योग के प्रति, वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। राघवेंद्र, वही बात कर लें, आज उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, ऐसे में लोग कितना उत्साहित नजर आए, क्या कुछ कहना था लोगों का?
बिल्कुल निशा, अगर लोगों के उत्साह की बात कर लें तो जब कोई भी इस तरह का कार्यक्रम होता है, हर जिले पे इस तरह का कार्यक्रम भी रखा गया और हर जिले पे लोग योग करते हुए दिखाई दिए। लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जब कार्यक्रम रखा जाता है उस दिन तो लोग टी शर्ट पहनकर योग करते हुए दिखाई देते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे फोटो पोस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उनके नियमित योग की बात की जाए तो वो नियमित योग करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। हमें जागरूकता लाने के लिए, हमें उनको योग के तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनको उस तरह से समझाया जाए कि आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए योग को अपनाइए। अगर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बात कर लें तो आज तो जिससे भी बात करिए वो योग दिवस की प्रशंसा करता है, सरकार की प्रशंसा करता है और वो कहता भी है कि हम भी योग करते हैं। लेकिन परसेंटेज जब देखा जाता है तो योग कर नियमित योग करने वालों की संख्या कम होती है। आज के दिन हर नागरिक के अंदर उत्साह देखने को मिला, जो भी राजभवन में भी सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे वो लोग भी कह रहे थे कि हम हमेशा योग करते हैं, योग करते हुए दिखाई भी दिए। हालांकि कौन प्रतिदिन योग करता है कौन नहीं करता है उसको योग करते हुए देख लीजिए तो पता चल जाता है कि हाँ ये नियमित योग करने वाले हैं या ये नियमित योग करने वाले नहीं हैं। लेकिन लोगों में धीरे धीरे उत्साह आ रहा है और अगर यही उत्साह बना रहा तो आने वाले समय में लगभग हर व्यक्ति योग को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए दिखाई दे सकता है। राघवेंद्र, देखिए ये अभी से योग हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा है योग। और ऐसे में योग के फायदों की अगर हम बात करें तो योग से हमें तमाम तरीके के फायदे होते हैं, जैसे मन की शांति हमें मिलती है, एकाग्रता, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा तो फोकस जो है हम लोग बहुत कम चीज़ों पर कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप योग करते हैं तो इससे आपका फोकस का जो एक काम होता है, फोकस करना किसी चीज़ पर, वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, आप फोकस करना सीख जाते हैं चीज़ों पर। योग का सीधा कंसेप्ट ही ध्यान से है निशा, जैसा आपने कहा ध्यान हम करें योग करें तो हम कंसंट्रेशन करने लायक बनते हैं, कंसंट्रेशन कर पाते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मन शरीर और आत्मा में सामंजस्य बैठा लेने की कला ही योग है। और जब हम ये कला जान जाते हैं और सामंजस्य बैठाने के लिए जान जाते हैं तो हम कंसंट्रेशन बनाना जान जाते हैं, हम इंद्रियों पर नियंत्रण करना जान जाते हैं। और जब हम इतना सीख लेते हैं तो हमारी शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहती है, उसमें हम दुबले हैं या मोटे हैं ये फिर काउंट नहीं करता है, हम अंदर से स्वस्थ होते हैं। और किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए सर्वाधिक जरूरी होता है। ठीक है, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा और आपसे अपडेट भी लगातार हम लेते रहेंगे। और जिस तरीके से आज पूरे देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं और राघवेंद्र आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल